नेहरू और पटेल के बीच में अगर सबसे बड़ा कोई अंतर था तो वो ये कि नेहरू ने अपने पूरे खानदान और आने वाली पीढ़ी के लिए काम किया, जबकि पटेल ने अपने देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए काम किया। इतना कि अपने परिवार खासकर अपनी बेटी के लिए भी कुछ नहीं किया। नेहरू और पटेल दोनों की राजनीति धुरी शुरू से ही बिल्कुल अलग थी। नेहरू ने जहां अपने रसूख का इस्तेमाल परिवार के लोगों को देश के महत्वपूर्ण पदों पर बिठाने के लिए किया, वहीं दूसरी तरफ पटेल जी थे जिन्होंने जिंदा रहते अपने परिवार को दिल्ली तक आने की अनुमति नहीं दी। लेकिन आज इनके बच्चे और वंशज कौन थे इनको कोई जानता भी नहीं होगा। सरदार पटेल ने अपने निधन से पहले अपनी बेटी मणिबेन को एक खाता बुक और एक बैग दिया और कहा कि बेटी इसे नेहरू को दे देना और किसी को भी ये बैग मत देना। आपको पता है उस बैग में क्या था? उस बैग में पार्टी फंड के 35 लाख रुपए थे। 35 लाख रुपए, वो भी तब के समय, सोचिए 1950 में ये रकम कितनी बड़ी थी। पिता की बात का पालन करते हुए वो नेहरू के पास गई और उन्हें वो पैसे सौंप दिए। मणिबेन उस समय पैसों की तंगी से गुजर रही थी, चाहती तो पैसे अपने पास रख लेती, किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। लेकिन उन्होंने वो पैसे ले जाकर नेहरू के हाथ में रख दिए। आपको क्या लगता है अगर वो पैसे मणिबेन की जगह सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी को मिला होता तो वापस करती? क्या उन पैसों से वो अपने बेटे बेटी के साथ अच्छे से विदेश टूर पे नहीं निकल जाती? खैर छोड़िए, आपको जानकर हैरानी होगी, नेहरू ने वो पैसे लेने के बाद एक बार भी कोई सहानुभूति नहीं जताई और तो और कोई भी आर्थिक मदद की पहल नहीं की, कोई जरूरत हो वो भी नहीं पूछा। ये जानते हुए भी कि वो आजादी के लिए जेल गई, संघर्ष किया और अविवाहित भी थी। मणिबेन की माली हालत इतनी खराब थी कि पटेल जी के जाने के बाद उनके पास रहने के लिए घर तक नहीं था। उन्होंने अपना जीवन कुछ दिन अहमदाबाद के आश्रम में और बाकी दिन अपने एक नजदीकी रिश्तेदार के यहाँ बिताया। ये पटेल का परिवार था। वहीं दूसरी तरफ नेहरू के परिवार की पड़पोती प्रियंका गांधी लगभग 23 साल तक सरकारी बंगले में रही, बगैर कोई सरकारी पद के, बगैर कोई योगदान दिए, और देश के इतने बड़े नेता की बेटी को आश्रम में अपने दिन गुजारने पड़े। हद तो तब हो गई जब नेहरू की सरकार में एडविना माउंटबेटन के अंतिम संस्कार के समय केवल शोक मनाने के लिए इंडियन नेवी की शिप को भेज दिया, और पटेल जी की बेटी मणिबेन के अंतिम दिनों के समय गुजरात के मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल को भेजा गया, वो भी सिर्फ फोटोबाजी के लिए। एडविना के लिए शिप, मणिबेन के लिए फोटोबाजी। पर मणिबेन की भी दाद देनी पड़ेगी, जब तक जिंदा रही कभी भी मदद के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाई, यहाँ तक कि जब जिंदा रही अपने हाथों से बुनी हुई साड़ी पहन के रही। नेहरू परिवार की तरह मिंक कोट्स वगैरह के लिए लालसा नहीं थी। आयरन मैन की इतनी खुददार बेटी का कांग्रेस ने हमेशा उपहास किया। उस बेटी को कांग्रेसियों ने इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दफन कर दिया था। लेकिन देश और गुजरात कभी भी लौह पुरुष सरदार पटेल और उनके परिवार के अपमान को भूलने वाला नहीं है।